राज्यसभा टीवी पर अब समय है गुफ्तगू का। मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं मशहूर सिनेमेटोग्राफर सौमेंदु रॉय। सौमेंदु रॉय अपने जमाने के मशहूर सिनेमेटोग्राफर। 7 फरवरी 1933 को जन्मे सौमेंदु रॉय संयुक्त परिवार में पले बढ़े। बड़े भाइयों के पास कैमरा होने के कारण उन्हें कैमरे से लगाव होता गया। इसके अलावा दोस्तों के साथ शूटिंग देख देख कर सिनेमा के प्रति ऐसी दिलचस्पी बढ़ी कि उन्होंने सिनेमा में ही काम करने का फैसला लिया। अपने जमाने के मशहूर सिनेमेटोग्राफर रामानंद सेन गुप्ता ने सौमेंदु दा को सिनेमा में काम करने का मौका दिया। ₹1954 में आई मशहूर फिल्म पाथेर पांचाली में उन्होंने कैमरा केयरटेकर के रूप में काम शुरू किया। सौमेंदु दा की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें 1961 में आई सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री में बतौर सिनेमेटोग्राफर काम करने का मौका मिला और इसके साथ ही शुरू हो गया सौमेंदु राय का फिल्मी सफर। सौमेंदु राय ने 1960 से 1984 तक अपने दौर के दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ बतौर सिनेमेटोग्राफर काम किया है। सत्यजीत रे के अलावा वो तपन सिन्हा, तरुण मजुमदार, अपर्णा सेन, बुद्धदेव दास गुप्ता और कई दूसरे मशहूर फिल्म निर्देशकों के साथ भी काम कर चुके हैं। अपने काम और अद्भुत प्रतिभा के लिए सौमेंदु दा को 3 बार फीचर फिल्मों के लिए और 1 बार नॉन फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अशनी संकेत, सोनार किला और शतरंज के खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए सौमेंदु राय का नाम दर्ज है। तकरीबन 50 साल इस पेशे में सक्रिय रहे इस सिनेमेटोग्राफर पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं सिनेमा के जादूगर सत्यजीत रे की फिल्मों के लिए 4 दशकों तक काम कर चुके इस 83 वर्षीय महान सिनेमेटोग्राफर से फिल्मों से जुड़ी उनकी कुछ खट्टी मीठी यादें, जिन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद हमारी टीम के लिए वक्त निकाला है और उस दौर की कुछ यादें शेयर करने की कोशिश की है। नमस्कार, स्वागत है बहुत बहुत प्रोग्राम में। हमको बताइए सौमेंदु दा कि आप सिनेमेटोग्राफर कैसे बने? We lived in joint family and there are two, my old elder brothers and my cousin brothers, they have camera, still camera both, and they used to photograph, so that sometimes that is the way, that is the reason I became a cinematographer. Plus, my friend Ashish Raha, who is now London, living in London, and we used to see some shooting in the theater studio. So that enhanced me. I should be happy. Motion picture camera, but our time is very, that is 1954, so it's very difficult to convince my parents or brothers. So but I was adamant. Ultimately, Ramananda Sengupta, who he gave me a chance as a caretaker of the technician, studio camera. That is the way I became a cinematographer.
और सत्यजीत रे के साथ काम करने से पहले और आपने क्या काम किया था? सत्यजीत रे के साथ 1954 सत्यजीत रे में एक पदक चली इन कोलाबोरेशन गवर्नमेंट तो आई यूज टू टेक द कैमरा केयरटेकर बिफोर दैट आई वॉज जस्ट एन ऑब्जर्वर ऑफ डिफरेंट शूटिंग नथिंग सीरियस एंड दैट इज वे आई बिकम ए पार्टनर पार्टनर ऑफ द फोटोग्राफी यूनिट एंड बिकम सुब्रत मित्र असिस्टेंट Before I got chance, my independent chance, 1960, Rabindranath Tagore documentary and three short stories by Rabindranath Tilkunda. Subrata Da ke saath aapne assist kiya? Yes. Kitna time assist kiya hoga? Achcha film. Aur independently aapne pehli film कौन सी की दादा के साथ माणिक दा के साथ? वो जो बोला माय फर्स्ट फिल्म वाज आई थिंक इंडिपेंडेंट कैमरामैन डॉक्यूमेंट्री ऑन टैगोर एंड थ्री स्टार स्टोरीज बाय टैगोर पोस्ट मास्टर समाप्ति एंड मुनिहारा 1960 दैट इज 1960 I say 1961 is Rabindranath centenary year. So Manika gave me a chance to make to both the films as well as the documentary and feature film. और जब माणिक दा के साथ आपने काम independently शुरू किया तो वो आपको क्या brief रहता था उनकी तरफ से? वी हैव ए वेरी गुड होमवर्क सपोज फॉर एग्जाम्पल पोस्ट मास्टर इज ए वेरी सैड स्टोरी माइंड टोल्ड मी आई टेक आई शूट दिस फिल्म इन क्लाउडी वेदर And Muniyara is a sort of uncanny character. So I used to log for long story short, wide angle short, to make an uncanny scene. माणिक दा के साथ काम करते हुए सेट पर आपको कैसा मतलब एक डर जैसा रहता था कि आप नहीं बिकॉज वी हैड ए वेरी गुड होमवर्क आई टू टोल्ड यू बिफोर सो आई नो व्हाट टू डू सो वी हैव नो आई हैव नो इनहिबिशन आई टोटली इंडिपेंडेंट अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बातें जारी रखते हैं मशहूर सिनेमाटोग्राफर सौमेंदु रॉय के साथ जो कि अपने ख़राब स्वास्थ्य के बावजूद हमारे साथ बातें करने को तैयार हुए हैं दिल से दिलों की बात I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? ना कोई शह ना कोई मात जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है जिंदगी के सफर की कहीं अनकहीं बात ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है कामयाबियां नाकामियां
शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियाँ और चिंताएं, फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं, ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है। आप में एक वर्सेटिलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियाँ, ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला। देखिए गुफ्तगू रविवार रात 10:30 और सोमवार शाम 4:00। तिरासी वर्षीय सौमेंदु रॉय ने करीब 45 साल तक बांग्ला फिल्मों में बतौर सिनेमेटोग्राफर काम किया। सौमेंदु रॉय का लगभग सारा करियर सत्यजीत रे की फिल्मों में कैमरा करते हुए गुजरा। सत्यजीत रे की कुल 28 फिल्मों में से 15 फिल्में सौमेंदु रॉय ने शूट की। बतौर सिनेमेटोग्राफर सौमेंदु रॉय ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें घरे बाईरे, हीरे के राजा देशे, जय बाबा फेलूनाथ, सोनार केला, अशनी संकेत, सीमा बद्ध, प्रतिद्वंद्वी, चिड़ियाखाना, महापुरुष, कापुरुष और चराचर प्रमुख हैं। शामिंदुदा, इतनी सारी फिल्में आपने माणिकदा की, कुछ चैलेंजिंग मोमेंट्स बताइए कि जब आपको लगा ये बड़ा मुश्किल काम है और उसको आपने अपनी सूझबूझ से, अपने एक्सपीरियंस से उसे सॉल्व किया। आउट ऑफ 28 फिल्म्स इन माणिकदा मेड थ्रू आउट हिज लाइफ आई मेड 15 फिल्म्स। 15 आउट ऑफ 28। सो every film has a challenge to me, especially Gopi Gayan Bhagavan, Satranj Ke Khiladi, Ashwini Sanket, Abhiyan. These films are more challenging to me than rest of the film I made with Manita. कुछ बताइए उसके बारे में कि उसके कोई ऐसे सीन सीक्वेंस के बारे में जिसमें बहुत। वन डे वनिता टोल्ड मी दैट इन अभियान आई वांट अ शॉट थ्रू हेडलाइट द कार इज पासिंग इन विलेजेस एंड बट दैट टाइम वी डोंट हैव दैट advantage of our technicalities and the film was 100 days away. But unfortunately one of my colleagues gave me a light which is a plane landing light and run by 24 volt. So I used to set the light in the middle of the two headlights and take a test, took a test, and I was quite convinced that it will give me the correct, whatever my mind wants, it will give me the correct effect. सिनेमेटोग्राफी में जो नए लोग आ रहे हैं या आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन देते हैं, क्या सुझाव देते हैं? बिकॉज नाउ इज मोर टेक्निकल डिजिटल फॉर्मेट हैज कम इन आवर डेज वी हैव टू मोर क्रिएटिव and we have don't have the advantage of digital cameras.
So now I, the new generation of caravan, I say, go on experimenting it and see that one day. And you have the advantage of technically. So I advise them to go on experimenting and make a good of advantage of technically. Director ke vision se alag, ek cinematographer kisi film mein apna naya kya ऐड कर सकता है, क्या वो बहुत बंधा हुआ होता है और उसे डायरेक्टर की डिपेंड ऑन डायरेक्टर्स टू डायरेक्टर्स. इन मानिक दास फिल्म और तपन दास फिल्म नो प्रॉब्लम बिकॉज़ दे आर वेल इक्विप्ड एंड टेक्निकली वेरी साउंड. बट अदर्स डायरेक्टर्स not very sound, so I have to enter. I took advantage of they are not very sound, so I put my experience so that the film look good. Shamindu da, aapke saath और जब आप काम कर रहे थे तो और कौन आपके कलीग सिनेमेटोग्राफर्स थे जो दूसरी फिल्मों में कर रहे थे, आपके साथियों के नाम याद कीजिए. माय कंटेम्पररी दीपक दास, खराई दे, विष्णु चक्रवर्ती, शक्ति बनर्जी. और तब क्या आप लोगों का आपस में एक किसी तरह का दोस्ताना डायलॉग, ये सब एक्सपीरियंस शेयरिंग वगैरह रहती थी? Sometimes. या फिर एक प्रोफेशनल राइवलरी? नहीं, that is not at all. No problem. We discuss everything regarding. In fact, senior cameraman who saw my films advised me that discuss with me. Different shots. This shot, I look. I could do this shot in different way. That way we discuss. अपनी ही की हुई फिल्मों में से आपने आखिरी बार कब अपनी कोई फिल्म देखी होगी? अपनी ही की हुई फिल्मों में, जिन फिल्मों में आपने सिनेमेटोग्राफी की, ऐसी कोई फिल्म याद कीजिए जिसे आपने अभी हाल में देखा हो, लास्ट कुछ. इन डीवीडी फॉर्मेट अगर full standard format is absolutely nowhere. In the DVD format I saw. Yes. अपना कौन सा काम आप दोबारा देखना चाहते हैं? फिल्म को कोई ऐसी फिल्म जिसे आप दोबारा देखना चाहते हैं? गोपी गेंद बराबर. उसकी कोई वजह? Because there is a very different shades of lights here and big canvas, which is, I enjoy the film very much, especially the dance sequence, 6 minute dance, and six shots. Everything was there. So I liked Gopi and Bhagavan very much.
तुम्हारे सेलाम 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 मोरा बांग्ला देश रे थेकेला मोरा बांग्ला देश रे थेकेला मोरा सादा सीधा माटी मानुष देशे देशे जाए मोरा सादा सीधा माटी मानुष देशे देशे जाए मोदेर निजेर भाषा भिन्न भाषा जाना ना मोदेर निजेर भाषा भिन्न भाषा जाना नाई महाराजा राजा मोशाई महाराज। आप हमको इजाजत दें तो कुछ हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछें। पूछिए। जैसे कि फिर आपने शादी कब की होगी? शादी नहीं किया। नहीं किया, उसकी कोई ख़ास वजह? इनकम, पैसे कम थे। क्यों, माणिकदा तो बहुत पैसे देते रहे होंगे। पैसे देते रहेंगे तो उसमें तो शादी करना नहीं चाहिए। शादी करने के लिए एक मिनिमम इनकम चाहिए। माणिकदा तो साल में एक तो फिल्म करते थे, हम भी एक तो फिल्म करते थे, उसमें क्या होगा। तो आपके पास ये चॉइस थी कि आप माणिक दादा की फिल्म एक करें और इसके अलावा कुछ और करें? किन किन देशों में आप घूम आए होंगे शूटिंग के सिलसिले में? आउट ऑफ इंडिया? अमेरिका, रसिया और रसिया। कब आपने अपनी आखिरी फिल्म की होगी? नहीं, 2000। वो कौन सी फिल्म थी? सपन सिन्हा के बच्चे के लिए अनोखा मोती। अच्छा, तो करीब मान के चलें कि 16 साल हो गए अब आपने काम छोड़ दिया। ये स्वास्थ्य की वजह से ही, तबीयत खराब होने की वजह से छोड़ा होगा? नहीं, डिजिटल फॉर्मेट हमको शूट नहीं किया है। थोड़ा बोला डिजिटल फॉर्मेट में अच्छा नहीं लगता, छोड़ दिया। वैसे अगर देखें तो आप तो डिजिटल फॉर्मेट आने के बाद आप तो पढ़ाते भी रहे, सिखाते भी रहे बच्चों को। हाँ, क्योंकि आपने काम नहीं किया। काम नहीं किया। जितना ये टाइम आपका गुजरा फिल्मों में, वो उसको लेकर कोई पछतावा है कि मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन आपने चुना जिसमें इतनी कमाई भी नहीं हो सकी, जिंदगी घर पे भी नहीं आ सकी। I am fully content with my work and I got recognition throughout my life. I got 4 times National Award. So I have no inhibition. कुछ ऐसा करने की कोई तमन्ना अधूरी रह गई जिंदगी में कि कुछ ऐसा कर लेते तो और खुशी आ जाती?
feeling very thick out of. I didn't. I used to. I must make a film with it, thick out. But. मतलब आप जो कह रहे हैं उसको मैं ये समझा कि आप ऋत्विक घटक के साथ कोई फिल्म करना चाहते थे जो आप नहीं कर सके, मैं ठीक समझा? और वो आपको लगता है कि अगर कभी आप ऋत्विक घटक के साथ काम करते तो उससे ज़्यादा आपको खुशी मिलती? जी जी जरूर। तो शोमिंदुदा, आखिर में हमारी तरफ से जो सवाल थे वो हो गए हैं, आप अगर कुछ हमसे कहना चाहते हों तो आप कहिए। क्या कहें, तो न्यू जनरेशन आई टोल्ड देम माय एडवाइस टू देम इज टू प्रैक्टिस 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 एंड गो ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद द कैमरा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच शोमिंदुदा, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये थे मशहूर सिनेमेटोग्राफर शोमिंदु रॉय। अपने ख़राब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने हमसे इतनी बातें की, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, और आपके भी कि आपने इतने धैर्य से शोमिंदुदा के अनुभवों को सुना। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।